उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 में 4 अक्टूबर को हुए अवलॉन्च में अभी भी 27 ट्रैकर्स लापता हैं। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। हालांकि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कत हो रही है। अभी तक 4 पर्वतारोहियों के शवों को बरामद किया जा चुका है। इनमें से 2 ट्रेनी और 2 इंस्ट्रक्टर थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी पर हुए हिमस्खलन में करीब 56 ट्रैकर्स फंस गए थे। बुधवार को 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 10 को घर भेज दिया गया था, जबकि 5 का इलाज चल रहा है। वहीं 27 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हालांकि गुरुवार को खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। आपको बता दें कि लापता ट्रैकर्स पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 10 शव देखे गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 ही बरामद हो पाए हैं। खराब मौसम और अंधेरे की वजह से बुधवार को ऑपरेशन रोक दिया गया था। एनकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। 60-70 मीटर का स्लैब एवलेंस था, सॉफ्ट वॉक्स में भी और सारे ट्रेनिंग क्रेवास में गए, पूरा एवलेंस क्रेवास में था। और 2 इंस्ट्रक्टर भी थे हमारे साथ जो क्रेवास में गिर गए, तो उसमें से बहुत कम लोग बचे, बाकी सारे लोग वहीं गिर गए। मैं खुद 2 घंटा था क्रेवास के अंदर और 2 घंटे के बाद हमको मेरे ऊपर 3 डेड मैन मिले, तो उनको निकाला, उसके बाद फिर मुझे निकाला। बहुत मुश्किल हो गया।